हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि कुछ नई चीज सीखी जाए जिससे सबको फायदा हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को भी और जो एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं बच्चे उनको, कॉलेज वाले बच्चों को, और मेरे दोस्त हैं बहुत सारे बिजनेस में, जॉब में, सबको सबको फायदा देता हूँ। मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को वैदिक मैथ्स सिखाऊंगा। वैदिक मैथ्स का मतलब क्या है? वैदिक मैथ्स इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक इन्वेंटेड बाय इंडिया बाय विच वी कैन सॉल्व नंबर्स, मल्टीप्लीकेशंस, डिविजन्स, एडिशंस इन सेकेंड्स, अनबिलीवली क्विकली, ठीक है ना। कैसे? मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 52। तो 52 का स्क्वायर आप लोग बोलेंगे दैट इज 2704। मैं आपसे बोलता हूँ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 106। 106 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब समझते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ लेट्स से 22 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर होता है 484। मैं आपसे बोलता हूँ 53 का स्क्वायर कितना होता है? 53 का स्क्वायर होता है दैट इज 2809। मैं आपसे बोलता हूँ 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर कितना होता है? 97 का स्क्वायर इज 9409। मैं आपसे बोलता हूँ 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर कितना होता है? 11449। ट्रस्ट मी, मुझे रटे हुए नहीं है, बस मैं अभी अभी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से मुझे 314 टाइम्स 318 करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे हो सकते हैं एक सेकंड के अंदर, देखना ध्यान से। मैं आपसे कहता हूं कि दिस इज टू, दिस इज फाइव, देन 998, ठीक है, करेक्ट है। आप लोग चेक कर सकते हैं सारी की सारी चीजें कैलकुलेटर से, ठीक है। मैं रैंडमली नंबर देता हूँ और बड़े देखता हूँ। लेट्स सी, 1025 मल्टीप्लाइड बाय 1010, ठीक है ना। इतने बड़े नंबर को, इतने बड़े नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? दैट इज 250, 250 यहाँ से आ गया 10, एंड दिस इज 35 0, ठीक है, करेक्ट है, एकदम बढ़िया। एक और देखते हैं। मैं आपसे कहता हूं 97 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेट्स से 97 टाइम्स 82, 7954। व्हाट अबाउट ये सारी की सारी कैलकुलेशंस आप भी सेकंड्स में करना सीख जाओ, ट्रस्ट मी करना सीख जाओगे। इस वीडियो को जब आप एंड तक देखोगे तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए भी हलवा हो जाएंगी। कैसे? लेट्स सी, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और शुरुआत से सीखते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे। पहली चीज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज नंबर्स विच आर नियर 100। ऐसे नंबर्स विच आर नियर 100, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स नियर 100। 100 का मतलब क्या है? 100 का मतलब है 100 के अंदर दो जीरोस होते हैं। ऐसे नंबर्स जो 100 के आसपास के हैं, 100 के आसपास। कैसे? लेट्स से मैं आपसे कहता हूं 107 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 105 से। आप 107 को 105 से कैसे मल्टीप्लाई करते थे अब तक, मैं आपको दिखाता हूं आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। 107 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 105 से। 5 7 35, 3 3, एंड 5 1 5, देन क्रॉस 0 0, देन क्रॉस क्रॉस 7 0 1, कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज 5 3, दिस इज 12, दिस इज 1 1। इसको करने में मुझे लगभग आधा मिनट लग गया, लेकिन अगर आप मेरी टेक्निक सीख गए तो आप इस मल्टीप्लिकेशन को 3 सेकंड में कर लेंगे। लेट्स सी कैसे। 107, ध्यान से देखिएगा, 107 100 से कितना बड़ा है? 107 100 से है 7 बड़ा, प्लस 7 लिख लो यहां पर। 105 100 से कितना बड़ा है? प्लस 5 लिख लो, बड़ा आसान है, सुनना ध्यान से। 107 100 से 7 बड़ा है, 105 100 से 5 बड़ा है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा? 7 5 35। बहुत बढ़िया जी। अब इनको क्रॉस ऐड कर दो। क्रॉस ऐड कैसे? ऐसे, या फिर ऐसे, किसी भी तरीके से कर लो। 107 प्लस 5, 107 प्लस 5 इज 112। वी गॉट द सेम आंसर, इजंट इट ब्यूटीफुल। एक और देखते हैं, एक्चुअली इट्स मैजिक, जादू है यार। एक और देखते हैं, 106 मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से 108। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कोशिश करो एक बार। अगर आपके पास पेन या पेपर है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखना 106, 106 100 से कितना बड़ा है? 106 इज 6 ग्रेटर देन 100, एंड 108 इज 8 ग्रेटर देन 100। 6 8 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 6 8 है 48, और क्रॉस ऐड कर दो। क्रॉस ऐड से कितना आ जाएगा? 106 प्लस 8 इज 140। इजंट इट ब्यूटीफुल। एक और देखते हैं, कोई रैंडमली 102 मल्टीप्लाइड बाय 103। थोड़ा सा ट्रिकी है, सुनिएगा ध्यान से। 102 100 से कितना बड़ा है? 102 इज 2 ग्रेटर देन 100, एंड 103 इज 3 ग्रेटर देन 100। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो इज 6, लेकिन यहां पर हम 6 नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 06। राइट हैंड साइड में देयर विल ऑलवेज बी अ टू डिजिट नंबर, क्योंकि 100 के अंदर दो जीरोस आते हैं। क्रॉस ऐड करते हैं,
102 plus 3 is 105. Your answer is 10506. एक आप लोग खुद ट्राई करिए, मैं आपको देता हूं क्वेश्चन. 110 मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से 106, बताइए. अब 110 इज 10 ग्रेटर देन 100, तो यहां पर क्या लिख लोगे? प्लस 10. 106 इज 6 ग्रेटर देन 100, ठीक है जी. 10 इंटू 6 इज 60, और टू डिजिट का नंबर है, बहुत बढ़िया. 110 प्लस 6 इज 116. Isn't it simple? Let's try one more. 113 मल्टीप्लाइड बाय 105. करिए ट्राई एक बार, खोजिए खोजिए. 113 इज 13 ग्रेटर देन 100, तो राइट हैंड साइड में 13 लिख लीजिए. और 105 इज बेसिकली 5 ग्रेटर देन 100, तो वहां पर 5 लिख लीजिए. 13 5 का कितना होता है? 65. और क्रॉस ऐड कर दो, तो 113 के अंदर 5 ऐड कर दो, दैट इज 118. ये हमने ऐसे ही किया है. दिस इज प्लस 13, दिस इज प्लस 5. 13 5 65, क्रॉस ऐड किया 118. और देखते हैं, और देखते हैं, लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे. 125 मल्टीप्लाइड बाय 103, और 100 एंड एक बार करते हैं, 125 मल्टीप्लाइड बाय 105. लेट्स सी, 125 मल्टीप्लाइड बाय 3, देखते हैं. प्लस 25 प्लस 3, 25 3s are 75. क्रॉस कर दिया, क्रॉस से कितना आया? 125 प्लस 3 इज 128. हो गया. एक और देखते हैं, हल्का सा जो कॉम्प्लेक्स है. प्लस 25 प्लस 5, 125 5s are 125. अब क्या हुआ यहां पर? क्रॉस ऐड कर दिया, दैट इज 130. मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि राइट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी अ टू डिजिट नंबर, तो यहां पर 125 आ गया. 125 सर, एक यहां से क्या चला जाएगा? इस पे कैरी, तो दैट वुड बी 131 and 25. दिस इज योर फाइनल आंसर. ये नंबर सारे के सारे 100 से बड़े थे, 100 से छोटे नंबर आ जाएंगे तो क्या करोगे? देखना, बिल्कुल सेम मेथड. 97 मल्टीप्लाइड बाय 94, देखें ये कैसे करेंगे. 97 इज 3 लेस देन 100, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 3 लिख दो. 94 इज 6 लेस देन 100, माइनस 6 लिख दो. माइनस 3 इंटू माइनस 6 प्लस 18, क्रॉस ऐड कर दो, चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो. 97 माइनस 6 इज 91, या 94 माइनस 3 इज अगेन 91. योर आंसर इज 9118. एक और देखते हैं, 94 मल्टीप्लाइड बाय 92, ट्राई करिए. 94 इज बेसिकली 6 लेस देन 100, माइनस 6. दिस इज 8 लेस देन 100, माइनस 8. 8 6 आ 48, क्रॉस कर दिया. 94 में से 8 माइनस करिए, 86. दैट्स योर आंसर. इजंट इट ब्यूटीफुल? और देखते हैं, और देखते हैं, बहुत आसान है. 91 मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से 89, अब ये कितना आ रहा है? दिस इज माइनस 9 एंड दिस इज माइनस 11. 11 इंटू 9 इज 99, क्रॉस कर दिया. 91 में से 11 माइनस करिए, दैट इज 80. दैट्स योर फाइनल आंसर. ठीक है ना, तो हमने कुछ नंबर्स लिए जो दोनों के दोनों 100 से बड़े थे, कुछ नंबर्स जो दोनों के दोनों 100 से छोटे थे. ऐसा करते हैं, एक नंबर 100 से बड़ा और एक नंबर 100 से छोटा, अब क्या करेंगे? सेम मेथड है, कुछ नो, देयर इज नो रॉकेट साइंस. एक बार और देखते हैं ध्यान से. क्रॉस किया, दिस इज प्लस 5, दिस इज माइनस 3. अब बताइए 5 3 का कितना होता है? 5 3 इज माइनस 15, तो यहां पे माइनस 15 आ गया. क्रॉस किया, दिस इज 102. अब यहां पर नेगेटिव नंबर है, यहां पर नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है जी, तो यहां पर एक काम करते हैं, तो यहां से एक बोरो ले लेते हैं. एक बोरो लेंगे तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? यहां से बोरो लेते हैं, यहां पर आ जाएगा 101, और यहां पर बोरो लेते हैं, यहां पर आ जाएगा 100. 100 में से 15 माइनस करिए, 100 माइनस 15 इज 85. दैट्स योर फाइनल आंसर, जो थोड़ा सा टिपिकल था. एक नंबर 100 से छोटा और एक नंबर 100 से बड़ा. एक और देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स ट्राई वन मोर. ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे बोलता हूं, एक नंबर है 100 से बड़ा 107, और एक नंबर है 100 से छोटा, दैट इज 92. हम दोनों इसको मल्टीप्लाई करना है, लेट्स सी कैसे करेंगे. 107 प्लस 7, 92 माइनस 8. 8 7s are 56, लेकिन माइनस में, क्रॉस कर दिया 99. अब अगेन यहां पर राइट हैंड साइड में सा नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर ये, तो यहां से हम लिख के आएंगे एक बोरो ले लेते हैं. कितना आ जाएगा? 98 माइनस गया यहां पर आ गया 100, एक लेते ही 100 आ गया. 100 में से 56 माइनस करिए, दैट इज 44. 44 इज करेक्ट. सो इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्निक ऑफ मल्टीप्लाइंग दोज नंबर्स व्हिच आर नियर 100, चाहे 100 से बड़े हो, चाहे 100 से छोटे हो, और चाहे एक बड़ा हो एक छोटा हो.
ये टेक्निक इतनी खूबसूरत है कि सिर्फ 100 के लिए नहीं, 200 के लिए भी चलेगी, 300 के लिए भी चलेगी। लेट्स सी वन मोर, 204 मल्टीप्लाइड बाई 207, ये आ गया क्वेश्चन, तो क्या करेंगे? लेट्स सी, एक बात बताओ, दिस इज प्लस 4 एंड दिस इज प्लस 7, 4 7s are 28, क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते क्या आ जाएगा 211, लेकिन 100 की जगह पे 200 है, तो 200 बेसिकली 100 का 2 टाइम्स है, डबल है, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आंसर होगा ना, इसको 2 टाइम्स कर देंगे, तो दिस वुड बी 4 2 2 2 8, इज इट इजी? एक और देखते हैं, लेट्स सी, मैं आपसे कहता हूं 312 मल्टीप्लाइड बाय 303, अब क्या होगा? 312 कितना बड़ा है? 12, 303 प्लस 3, 12 3s are 36, क्रॉस किया 315, यहां पर 100 की जगह 300 है, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ 100, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस वुड बी 94536। हाउ सिंपल इज टू मल्टीप्लाई नंबर्स यार, दिस इज वैदिक मैथ्स, दिस इज मैजिक। ये 2 डिजिट के लिए नहीं चलता, ये 3 डिजिट के लिए भी चलता है, 4 डिजिट के लिए भी चलता है, बड़े नंबर्स लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 1025 और मेरे पास एक नंबर है 1008, चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है। अब 1000 में नंबर्स हैं, एक बार बताओ 1000 से कितना बड़ा है? 25, दिस इज प्लस 8, 25 8s are 200, 25 को 8 बार कर दिया, ठीक है ना, क्रॉस किया, दिस इज 1033, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस मैं सेकंड्स में कर रहा हूं, इज इट मैजिक? ये वैदिक मैथ्स की पहली क्लास थी, जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन। मैं कोशिश करूंगा रोज आपके लिए एक वीडियो बनाऊं और आपको नई नई चीजें सिखाऊं वैदिक मैथ्स के अंदर, जिसमें हम लोग क्यूब सीखेंगे, जिसमें हम लोग स्क्वायर सीखेंगे, हम लोग मल्टीप्लीकेशन और बहुत सारे टाइप के सीखेंगे, हम ऐसे नंबर सीखेंगे जिसके एंड में 5 आता है, जिसके एंड में 7 आता है, किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, देयर मेनी टेक्निक्स। तो जितनी आप सीखते जाओगे उतने आप बेटर होते जाओगे। फायदा क्या होगा इससे मेन, कि आपसे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछता है उसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है कैलकुलेशन के अंदर, लेकिन अगर हम लोगों का ये बेस क्लियर है ना, तो आप लोग कैलकुलेशन सेकंड्स में कर देंगे एंड वी गेट एन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर अदर्स, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास मजा आया होगा, हम जल्दी मिलते हैं फिर से, थैंक यू।